वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि आज क्या होने वाला है इस वीडियो में। आज ऑडियो के रिलेटेड नहीं, आज पीसी के रिलेटेड है। आज आईटी सीरीज का एक रिव्यू होगा और इसका भी टेस्ट भी होगा आज, ठीक है ना। तो देख सकते हैं WD Blue का 250 GB का एक NVMe है, NVMe SSD। तो गाइस, मैं इसका कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। ये जो SSD है, ये Gen 3 में आता है, PCIe Gen 3, और इसका मैक्सिमम स्पीड होगा 3300 का, ठीक है ना। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है, और पीसी में लगा के इसका स्पीड टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं। अगर आप लोग देखिएगा, ये अंदर से कुछ इस तरीके का पैकिंग में आता है, एक प्लास्टिक का एक काम है, और इसके अंदर है यूज़र मैनुअल जो हमारा किसी काम का नहीं होगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, एक उंगली की लगभग उतना ही होगा। एक उंगली देखिएगा आप, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसका प्राइस ले 4000 के आसपास रहता है, ठीक है ना। तो इसमें इसको मैं पीसी में इंस्टॉल करके दिखा। तो गाइस, मैंने इसे पीसी में इंस्टॉल कर लिया है, देखिएगा। ये जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का 410 मॉडल का है, 10 Gen सपोर्ट करता है। इसमें मैं इसे इंस्टॉल कर दिया है, और इसमें अब OS लोड करना बाकी है। OS लोड करके मैं इसका स्पीड आपको दिखा देता हूँ, और जो OS कैसे इसे इसमें लोड करते हैं वो एक वीडियो में अलग से अपलोड करूँगा। आप लोग देख सकते हो, आपका जो स्पीड टेस्ट था वो स्क्रीन के सामने ही है, और ये कोई फेक नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रियल विंडो है, और मैंने किया हुआ है सी ड्राइव, देखिएगा, जो कि NVMe SSD है, 232 GB दिखा रहा है वही वाला। आपको मैं इधर से भी दिखा देता हूँ, रुकिए थोड़ा। हाँ, देखिएगा, एक ही ड्राइव है जो कि 232 GB का है, और 250 GB वाला NVMe SSD, ठीक है ना। तो गाइस, मशीन में आप लोगों को दिखा देता हूँ, सेम ही मशीन है, ये कोई फेक नहीं है। देखिएगा, ये जो WD का लगा हुआ है, जो SSD था वही SSD है। तो देख सकते हैं, ये ऑन कंडीशन में है, ठीक है ना। तो आप लोगों को शायद इस वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, टाटा बाय बाय।